प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़स साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर चर्चा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक किया गया है, बस में जो लोग जा रहे थे तकरीबन 23 के करीब लोगों को उतार कर और उनका आईडी कार्ड चेक किया गया और पंजाबी निकलने पे उन्हें गोली मार दी गई और कहा यह जा रहा है कि जी ये दहशत गर्दी जो है इससे निपटा जाएगा और ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे एक गवर्नमेंट हर बार स्टेटमेंट देती है वही है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना यह है कि जी वो बड़े नाराज हैं और काफी उन्हें शिकायतें हैं गवर्नमेंट से, लेकिन मासूम लोगों को इस तरह से जो मजदूर जा रहे थे उनको ऐसे निकाल के मार देना, उसके ऊपर काफी हंगामा है यहाँ से लेकर भारत तक। हर टीवी चैनल जो है यही बात कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही इन सब बातों को? देखिए आरजू, ये आज की बात तो नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर तो काफी अरसे से इशू चल रहे हैं। चले बलूचिस्तान में तो ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं दूसरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा अमन है जो सूबा सरहद के अंदर केपीके के अंदर है, जहां जो अमीन अली घंडापुर साहब के इंटेंशंस है वो कौन सी अच्छी है। कभी वो आपने देखा होगा रिसेंट जो जलसा है, एक तो उसको मुलतवी किया गया, फिर उसको एक रिलीजियस रंग दिया गया कि वो अहमदियों के खिलाफ एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट दे रही थी उसके खिलाफ। मैंने कई लौंडे लपाड़े देखे, वो कहते हैं जी 20 से 25 लाख लोग सड़कों पे आ रहे थे, गवर्नमेंट डर गई है। मुर्शद जा साहब जो है जेल से फरमा रहे हैं कि काम पे टांग रही हैं, आपने देखे। अगर बलूचिस्तान के अंदर ये तो मैं उसको तो खैर उसकी मजम्मत करनी चाहिए जो सिर्फ उनकी पंजाबी एथनिसिटी होने पे जो उनपे उसके साथ जो किया जा रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीजें नहीं है। कराची के अंदर भी आपके जो शनाख्ती कार्डों पे आपके लास्ट नेम देख के जिस तरह मारा जाता था शिया सुन्नी बेसिस के ऊपर, ना सिर्फ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, गिलगित के अंदर आपने देखा होगा कि वहां भी ऐसे वाकयात हुए थे, सिर्फ शिया होने पे उन्होंने बसों से नीचे उतार उतार के मारा जाता। लेकिन जब देखें, जब आप रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, इस वक्त मुर्शद साहब एक ऐसे हमारे मौलाना फजलुर रहमान के साथ डील करने की के चक्कर में हैं और टोटल सियासत में मुसलसल पिछले 20 साल उसको करप्ट कहते रहे हैं, मौलाना डीजल कहते रहे हैं, मौलाना डीजल उनको कहते रहे हैं, ये यहूदियों का एजेंट है, इसकी इसकी बीवी यहूदी है। आज वो दोनों एक टेबल पर बैठे हैं। टारगेट क्या है? मुर्शद साहब समझते हैं कि सिर्फ मदरसों के अंदर से बच्चे लाने की सलाहियत मौलाना फजलुर रहमान रखते हैं और सिर्फ उसी वजह से, दूसरी कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन यहां से देखना ये बात है, आपका क्या ख्याल है यहां से, वेयर वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट, हम आगे हमारी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर आप देखें कि मोदी साहब पोलैंड से यूक्रेन पहुंच गए हैं, राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन के लिए डीलें बना रहे हैं, ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे तो तनकीद का निशाना बनाना है, दिल खोल के बनाओ, लेकिन मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाय ये कि ये सियासत नहीं के लिए जिहाद है। सर एसईओ के लिए इनविटेशन भी तो दिया है उन्होंने। नहीं, इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं, तो एसईओ का जवाब क्या वहां से आएगा? मोदी साहब बल्कि मैं हैरान था हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की, देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से और जहाज जो उनका जहाज था एयरप्लेन वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है और आपने यहाँ शादियाने बजाने शुरू कर दिए। देखे मोदी साहब आ गए, फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है, तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल बॉर्डर लगता है। अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल
वो कहते हैं ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के बहाने कर देते हैं आप। लेकिन ये कि ना सिर्फ उनके साथ, देखिए आपके पड़ोसी सबके साथ रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, ईरान के साथ भी आपके, मेरा मकसद आप इशारे कहीं और से लेते हैं ईरान से बात करने के लिए भी, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकलता जा रहा है, चाइनीज जो भाई आपके कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में ट्रेड करना बेहतर ज्यादा महफूज समझते हैं अपने आप को। लेकिन आरजू देखें, मैं हमेशा ये समझता हूं, अभी तक किसी ने कोई ग्रास रूट इशू के ऊपर या मूव फॉरवर्ड करने के लिए कोई ना प्लान बनाया है, ना किसी का जहन उस चीज पे है। लेकिन कितना अरसा आप इस तरह करेंगे, आप कितनी दफा आप आईएमएफ से कर्जे मांग के खैरात मांग के चलते रहे, क्या करेंगे आप? मैं इस चीज पे खुद हैरान हूं। मेरी रिसेंट जो मैं समझ रहा था कि एक नया सेटअप आने का, एक हर जगह हर टीवी टीवी वाले भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नया सेटअप आएगा टेक्नोक्रेट, हालांकि मैं उस टेक्नोक्रेट सेटअप के हक में हूं अगर लोग जो हों वाकई टेक्नोक्रेट हों, सिफारशी ना हो। लेकिन वो तो सिफारशी लगता है सर, वो तो यही लगता है कि सिफारशी ही आएंगे और इसी तरह के होंगे, कोई खास फर्क अभी तक तो नहीं देखा। लेकिन सर अगर हम फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए हैं ब्राजील के, उनके विजिट को आप कैसे लेते हैं? देखिए उनका विजिट तो भाई आप इससे पहले देखेंगे, उनका अभी पिछले दिनों फॉक्सकॉन वाले वहां पे थे, उससे पहले आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर साहब मालदीव के दौरे पे थे, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं। बल्कि इसको एक और चीज जो मैं मुसलसल वेस्टर्न मीडिया जो है इस चीज को कह रहा है कि राजनाथ साहब का और मोदी साहब का यूक्रेन का दौरा जो है, दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट से मुराद ये है कि मोदी साहब रशिया गए थे तो उसके बाद वेस्ट ने और अमेरिका ने जितना शोर डाला था, मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब समझते थे कि उसको बैलेंस करना चाहिए। और मैं समझता हूं जो इनका स्लोगन है कि सावरन उनकी अपनी अटानमी जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया से तेल लेने पे फिर बात की है कि उन्होंने काम लेंगे जहां से हमारे सिटीजन्स को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, हम वहां से तेल लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा बल्कि तरक्कियों को वो मुसलसल अपने भारत को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें अफसोस की बात यह है कि मेरे पाकिस्तान के लिए कुछ सोच नहीं रहा कि अब वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। जिस तरह मैंने आपको बताया है क्रिकेट से भी लोग मायूस हैं कि 10 विकेटों से हारा है और अपने अपने पिच के ऊपर अपने पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश से हारा, ये भी नहीं कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। लेकिन चलें फिर, अब ना सोचना हो ना फिक्र करनी हो, वो एक हमारे पंजाबी में फिक्रा कहते सानू की, तो सानू की। लेकिन सर हम तो इसी इंतजार में ना कि आईएमएफ से कुछ पैसा मिल जाए, नहीं तो फिर यूएई की तरफ जहां मौजूद है वहां से भी तो मांगा जा रहा है। नहीं भाई, आईएमएफ के कर्जे का क्रिकेट टीम के साथ क्या तालुक है? उसका फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी तो खैर अगर आईएमएफ से पैकेज आएगा तो फॉरेन पॉलिसी भी वही बनाएंगे, क्योंकि आपका बजट भी उन्होंने बनाया है। जो पैसे देगा उसके साथ लिस्ट आती है कंडीशंस की, वो लिस्ट तो आएगी और आप उसको बड़ी खुशी से खुश उसलूबी से चलाते हैं उसको। देखें ना, चाइना वाले भाईजान जो सी पैक का नशा था उनको, उन्होंने आपने उसके जो पापा जान खरीदे आपने सारी दुनिया को पता है, आज वो सी पैक बंद पड़ा है। मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि जब सी पैक शुरू हुआ तो मुझे, मैंने पाकिस्तान के अंदर जब देखा कि हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें खुल रही हैं और चाइनीज स्कूल सिखाने के स्कूल खुल रहे हैं हर शहर के अंदर, तो मैंने एक दोस्त के साथ बैठ के मैंने कहा यार पाकिस्तान तो चाइनीज कानूनी बन रहा है यार, क्या होगा पाकिस्तान का? उसने कहा पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा, चाइना के बिगड़ेगा कुछ, जो बिगड़ेगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने कहा नहीं यार, चाइनीज भी बड़े करप्ट लोग हैं, फाइनेंशियली बड़ा बड़ा सोच समझ के करते हैं। उसने कहा नहीं, पंजाबियों के हाथ नहीं लगे अभी इनको, ये देखना पंजाबी क्या करेंगे इसके। ठीक है यार दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।